हम करेंगे वात नेति का अभ्यास। वात नेति के लिए करना क्या है, सांस भरनी है और सांस छोड़नी है। सांस भरनी है और सांस छोड़नी है दोनों नॉस्ट्रल से, दोनों नासिका से। और जो सांसों की लेने और छोड़ने की जो गति है वो थोड़ी ऐसी तेज होगी। आप देखो, बताता हूं। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में पुनः, आंखें बंद और पीठ गर्दन सीधी। पहले पूरी सांस भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे हम वात नीति। इसके पश्चात जो दूसरा अभ्यास है वो है कपाल भाती। कपाल भाती, देखिए कपाल भाती में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कपाल भाती में फोर्सफुली दोनों नॉस्ट्रल से सांस बाहर छोड़नी है और पेट को अंदर खींचना है। कैसे? इसका भी इसी तरह से रहेगा। 30 सेकंड हमने कपालभाति करनी है, 30 सेकंड फिर रिलैक्स करना है, फिर पुनः 30 सेकंड कपालभाति, फिर रिलैक्स करना है 30 सेकंड। ऐसे ही हमारे को तीन राउंड इसके भी कंप्लीट करने हैं। अभ्यास करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पुनः दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर देंगे। शुरू करेंगे हम कपालभाति। जो अगला अभ्यास है वो रहेगा डीप ब्रीदिंग का। डीप ब्रीदिंग देखिए करना क्या है इसमें, इसको दो तरह से किया जा सकता है, बैठ करके भी और शवासन में लेट करके भी, दोनों तरीके से इसका अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन बेहतर हमारे लिए जो बेहतर है वो बैठ करके है। बैठ करके जो नहीं कर सकता है वो लेट करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बैठ करके करना क्या है, पुनः पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए और इसमें गहरी लंबी सांस दोनों नॉस्ट्रल से भरनी है अंदर और गहरी लंबी सांस दोनों नॉस्ट्रल से बाहर छोड़नी है। कंटिन्यू।
प्राणायाम में सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन एक ऐसी क्रिया है प्राणायाम में जो प्राणायाम के अभ्यास से पहले की जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें प्राणायाम करना है तो प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन करना आवश्यक है। नाड़ी शोधन करने के पश्चात ही हम प्राणायाम, जो बाकी प्राणायाम है, उनका अभ्यास कर सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए नाड़ी शोधन का अभ्यास सीखते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। अब अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को ले आए प्राणायाम मुद्रा में, प्राणायाम स्थिति में। अपने राइट नोस्टल को बंद करें, लेफ्ट नोस्टल से 6 सेकंड तक सांस अंदर भरें। दोनों नोस्टल बंद कर दीजिए, 3 सेकंड तक सांस भर करके रोके, फिर राइट नोस्टल से 6 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें, फिर राइट नोस्टल से सांस भरे अंदर 6 सेकंड तक। दोनों नोस्टल बंद, 3 सेकंड तक सांस भर करके रोके, फिर लेफ्ट नोस्टल से 6 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें। यह था एक राउंड। ऐसे ही राउंड हमारे को करने हैं 10। उज्जयी प्राणायाम के भी हम 10 राउंड करेंगे, 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, इसको करना कैसे है। हमारे को सांस गले से आवाज करते हुए भरनी है और गले से ही आवाज करते हुए सांस बाहर छोड़नी है। बहुत प्रेशर गले पे नहीं देना, बिल्कुल स्मूथली हल्की जैसी आवाज हमारे गले से आनी चाहिए सांस भरते हुए, और हल्की जैसी आवाज आनी चाहिए सांस छोड़ते हुए। आप मुझे सुने, आप समझ जाएंगे कि इसका अभ्यास कैसे। इस तरह से शायद आप समझ गए होंगे। देखिए, अब जब हम सांस भर रहे हैं गले से आवाज करते हुए, इसका जो समय रहेगा वो रहेगा 6 सेकंड। 6 सेकंड में सांस भरी, 3 सेकंड सांस होल्ड किया और 6 सेकंड सांस छोड़ने के लिए समय अवधि रहेगी। 6 सेकंड सांस भरा, 3 सेकंड होल्ड किया, 6 सेकंड फिर सांस छोड़ा गले से आवाज करते हुए, स्मूथली आवाज करते हुए। ऐसे ही इसका अभ्यास हमें करना है 10 बार। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पूरी सांस अंदर भरेंगे और गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। देखिए, गुंजन कैसे करना है। इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना। गुंजन जब हम कर रहे हैं तो आवाज को
स्वतंत्र छोड़ दो, दबा करके नहीं करना, ऐसे नहीं करना, दबानी नहीं आवाज, आवाज को बिल्कुल खुला छोड़ दो, स्वतंत्र तरीके से, स्वतंत्र तरीके से गुंजन करो। और जब हम गुंजन कर रहे हैं तो वो एक लय के साथ हो, एक रफ्तार के साथ हो, उसको ना तोड़ना नहीं है, उस लय को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक लयबद्ध तरीके से हम इसका अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। Mm.